These were the homework questions I gave you. Everyone done it? Yes, sir. Yes, sir. 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 Okay. इससे पहले तो कोई नहीं था ना? सर फोर्थ वाला भी दिया था बट आपने उसका सल्यूशन बता दिया था। फोर्थ वाला हो गया। क्या बोल रहे थे? फोर्थ वाला क्वेश्चन भी था बट उसका सल्यूशन आपने क्लास में बताया तो बोला था ट्राई करके आना सर। अच्छा ये वाला ना? तो नो सल्यूशन क्लास में ही कर दिया था। हाँ इसका आंसर नो सॉल्यूशन है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। तो हमारे पास क्या क्या तीन मेथड्स है केस वाइज देन स्क्वेयरिंग एंड शॉर्टकट। यूजुअली अगर दोनों साइड एक्स वेक्स है ज्यादा एक्स है तो फिर कौन सा मेथड लगेगा? केस वाइज। केस वाइज स्क्वायरिंग करने से पहले हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या आंसर क्या है बताना मुझे एक बार। एक्स इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू टू। किसी को डाउट? नो सर। लास्ट टाइम सिक्स क्वेश्चन का आंसर एनीबडी? सर आर्यमन कॉमा फोर। आर्यमन बोलो। एक्स इक्वल टू फोर। एक्स इक्वल टू वन। Mistake, wrong answer. Anybody else? Harsh. Sir, X belongs. Harsh, bolo. Slok, bolo. X equal to 4. Wrong answer. Next. Sir, Dhruvil. Dhruvil. Sir, X belongs to 1, 2, 4. Perfect answer. Very good. X belongs to 1, 2, 4 closed. Okay. Ab isko main samjhata hoon. बट डू यू रिमेम्बर जब हम बचपन में क्वाड्रेटिक का वेव कब कर रहे थे तो मैंने ऑल इज वेल और नल सेट बताया था। हाँ आपको याद आ रहा है? यस मतलब अगर मैं आंसर पूछूं सॉल्व फॉर एक्स और ऐसा दे दूं एक्स प्लस फोर इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा फोर ग्रेटर देन वन आ जाएगा व्हाट इज दिस क्या आंसर है इसका? ऑल योर वैल्यूज याद आया दिस इज ऑल इज वेल ना ऑल इज वेल कम ऑन यस सर तो उसका आंसर क्या होता है x belongs to r or not everyone? Yes sir. Yes sir. तो तुम qualitatively judge भी कर सकते हो अच्छा x की वैल्यू कुछ भी रख लो x plus 4 हमेशा x plus 1 से बड़ा होगा देखो फील करो come on हाँ है ना? Yes sir. Yes. मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए null set या x belongs to r? X belongs to x r. X belongs to r. But अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूँ solve for x x plus 4 is less than x plus 1 तो x x तो कैंसिल हो जाएगा and you will get 4 less than 1 इसका आंसर क्या है? null set. याद आ गया ये एवरीवन? यस यस सर। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले तो हो गया mod x minus 1 प्लस मुझे x माइनस में कभी पसंद नहीं है मॉड के अंदर तो क्या करूं x minus 4 लिख दो डू वी हैव द प्रॉपर्टी ना? यस सर। अब मैंने क्या बताया था कि केस वाइज अगर क्वेश्चन करना है मैं ये कर रहा हूँ तो मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से तो अगर केस वाइज प्रैक्टिस करना है तो मैंने डायरेक्टली नहीं जंप करने के लिए बोला था आई सेड पे कि पहले क्या बनाओ एवरीवन नंबर लाइन लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो याद है एवरीवन? यस सर। तो 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट एंड 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब राइट हैंड साइड से केसेस के नंबर करना चालू करो केस 1 केस 2 केस 3 क्या सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। नंबर लाइन से केस बनाओ अदरवाइज तुम बोलोगे चार केस है। केस 1 कंडीशन बोलो केस 1 की बोलो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। केस 2 की कंडीशन बोलो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 4। वेरी गुड x बिलोंग्स टू 1 क्लोज्ड 4 ओपन यस और नो? यस यस सर। यस सर। अच्छा ऐसा करता तो चलता गया देखना कहाँ गया कि यहाँ पे ग्रेटर देन रखूं और यहाँ पे क्लोज करूं चलेगा क्या? यस चलेगा सर। बिल्कुल ओके है बिल्कुल चलेगा बट हम एक कंसिस्टेंसी रखते हैं ताकि हमारे नोट्स और तुम्हारे नोट्स मैच हो हमारे नोट्स बुक्स के नोट्स मैच हो तो कन्वेंशन क्या है कि इक्वलिटी हमेशा किसके साथ रखा जाता है ग्रेटर ग्रेटर देन के साथ। तो यहाँ पे x लेस देन 4 है सेकंड केस में या ग्रेटर देन 4 है? लेस देन 4। लेस देन। तो लेस देन के साथ हम इक्वलिटी प्रेफर नहीं करते नहीं करते याद आ गया सबको? हां सर। यस सर। केस 3 की क्या कंडीशन होगी x x इज लेस देन 1 लेस देन 1। अच्छा केस कंडीशन फालतू होता है या इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि कोई भी आंसर निकलने वाला है
उसका फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे केस कंडीशन के साथ, याद आ गया? यस सर। चलो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ सबकी आईज, अगर x 4 से बड़ा है तो ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा बच्चों? कम ऑन, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव याद है मॉड, या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ या फिर दोनों, करेक्ट ना ब्रांच वाइज? यस सर। अगर x 4 से बड़ा है तो मॉड के अंदर वाला पार्ट तो पॉजिटिव है ना? यस सर। तो बस सीधे फटाफट आइए दिमाग चलाया करो, अगर x 4 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 1 से भी बड़ा है। यस सर। यस सर। तो पहला वाला मॉड भी कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन। सेकंड केस, ये सॉल्व तो बाद में कर लेंगे। सेकंड केस, x किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। 1 किससे छोटा है? 4 से। 4। सो पहला वाला मॉड कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव साइन के साथ। सॉरी सब, आई होप इतना इंटरेक्ट करोगे ना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना देख लेंगे, बट इंटरेक्ट नहीं करोगे कभी कभी कार तो करो। सेकंड मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन। नेगेटिव, देख लो तीनों केसेस में डिफरेंस दिखा रहा हूँ। थर्ड केस, x लेस देन 1, दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? नेगेटिव साइन। क्लियर है? जी सर। यस। अब आराम से फर्स्ट केस का आंसर निकालते हैं। x प्लस x, 2x माइनस 5 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। इज इट सेटिस्फाइंग द केस कंडीशन व्हिच इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4? यस सर। यस सर। आंसर x = 4 आ गया। क्या फर्स्ट केस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। होने वाला है देखना, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3 आ गया, 3 इक्वल टू 3। व्हाट इज दिस? ऑल इज वेल, नल सेट। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, 3 इक्वल टू 3, हर x की वैल्यू के लिए ट्रू है ना 3 इक्वल टू 3 तो? यस सर। तो 3 इक्वल टू 3 आ गया, अब उसका आंसर ये हो गया केस 2 का, या इंटरसेक्शन लेना चाहिए? इंटरसेक्शन विद कंडीशन, सेक्शन लेना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, तुम केस 2 के अंदर ही हो, मतलब 1 से 4 के तो बाहर बात ही नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? यस सर। रियल वैल्यूज आंसर आ गया है, बट तुम्हारा इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर है फाइनल आंसर केस 2 का? 1,4। आई होप ये तो क्वालिटेटिवली समझ में आ रहा है कि 3 इक्वल टू 3 सिर्फ इस वैल्यूज के लिए ही ट्रू है, भले मैंने ये लिखा है, क्योंकि जब मैंने ये लिखा तो मैंने केस कंडीशन को पढ़ा ही नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। क्योंकि मैंने तुम्हें भी हैबिट डाली है कि पहले आंसर लिख लिया करो फिर इंटरसेक्शन लो केस कंडीशन के साथ। क्या केस 2 का आंसर सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। केस 3 सॉल्व कर रहे हैं। यस। हां, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 1, इंटरसेक्शन विद एक्स लेस देन 1, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है केस 2 में। इज दैट क्लियर? केस 3 में। और अब मैंने तुम्हें बहुत गोल्डन लाइन याद कर लेना, फाइनल आंसर इज, मतलब सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, inside a case we always take intersection with case condition, true or false? Yes sir. Yes, sir. वापस पूछ रहा हूं, inside a case we always take intersection with case condition, true or false? True sir. True. And final answer is union of the cases, true or false? True. Sir, is the union of the cases, सबको क्लियर है? Yes sir. Yes. So x equals to 4 और x belongs to 1 to 4 का यूनियन क्या हो जाएगा? बस 4 पे क्लोज कर दूं, करेक्ट? यस सर। यस सर। देखो x belongs to 1 to 4, फिर मैंने फंडा लिखाया भाई इस चैप्टर में, तो फंडे मैंने ज्यादा दिए नहीं ना, बस फंडा नंबरिंग भले छोड़ो, फंडा से लिख लेना। इनसाइड अ केस वी ऑलवेज टेक इंटरसेक्शन विद केस कंडीशन, बट फाइनल आंसर इज anybody? यूनियन ऑफ ऑल केसेस, ऑल द कंडीशन ऑफ ऑल द केसेस आंसर। तो भले ही एक क्वेश्चन तुमने गलत किया था तो उसका सॉल्यूशन को बाद में कॉपी करना, थोड़ी जगह छोड़ के फंडा जरूर लिख लो भी। सुन लिया सबने? यस सर। होमवर्क क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन बाद में करेंगे, बट अभी थोड़ी जगह छोड़ के फंडा जरूर लिखो।
Okay, can I give you next question? Yes, sir. Yes, sir. Chalo karo. केसेस की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है तो डोंट मेक अ मेहम. बच्चों क्या कर रहे हैं? नंबर लाइन से केसेस बना रहे हो ना? हाँ सर. यस सर. डायरेक्टली जंप मत करना, नंबर लाइन से केसेस बनाओ. अगर कर लिया तो बताओ कितने केसेस बन रहे हैं? सर चार. सर चार केस. बिल्कुल करेक्ट, फोर केसेस बनेंगे. अगर किसी को जज नहीं हुआ तो ऐसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केस. चारों की कंडीशन लिख के सॉल्व करो. कम ऑन. देखें किसी का आया.
Gopal correct, Divyansh wrong, Rishi wrong, Slok wrong, Radha correct, Sujal wrong, Nishit correct. एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो गोपाल राधा जवान करेक्ट कृति करेक्ट दीपक करेक्ट अंशु रॉन्ग साहिल करेक्ट भावेश करेक्ट विवान करेक्ट गुड गुड काफी कह रहा है जय शत्रु करेक्ट कैरव करेक्ट. चलो मैं अब आंसर लिख देता हूँ काफी जनों का आ गया. आंसर इज 3 and -1. कोई इंटरवल नहीं है कर्ली ब्रैकेट से देख लो तो सिर्फ दो आंसर है 3 और -1. जिसका नहीं हुआ कीप ऑन ट्राइंग 30 more seconds अदरवाइज मैं सॉल्व करूंगा. जिसका हो गया वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो. नचिकेत हमेशा करेक्ट जय चेक करो. हाँ सर सॉरी. ओके अब डिस्कस करेंगे एवरीवन कैन आई. यस सर. चलो मेरे साथ फटाफट देखो केस 1 एक्स ग्रेटर देन 4 सारे मॉड कैसे ओपन होंगे प्लस के साथ सेम साइन के साथ मतलब बिल्कुल बिल्कुल. तो ये माइनस लिखा है बट आई होप सबको समझ में आ कि मॉड प्लस के साथ ओपन हुआ है माइनस तो पहले से था. यस सर. एक्स गया बचा है 2x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 minus 5 plus 4 minus 1 equal to 3 so 2x equals to 4 x equals to 2 does that satisfy the case condition or no? No sir. No sir. This one mein koi bhi answer nahi aaya. Case 2 x belongs to 3 close to 4 open isme pehla wala mod plus sign ke sath dusra wala mod plus sign ke sath teesra wala mod kaise open hoga minus sign ke sath. आपको दिख रहा ना क्लियरली. हाँ सर. x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 2 सॉरी मिस्टेक करेक्ट ना 2x माइनस 2 यस सर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 3. कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो फिर नालायक हो तुम बहुत बड़े. 4x कांस्टेंट क्या है माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 3 प्लस 9 12 x इक्वल्स टू 3. इसका इंटरसेक्शन 3 टू 4 के साथ क्या आंसर आ गया फाइनली 3 x equals to 3. केस 3 x belongs to क्या है कंडीशन केस 3 की एवरीवन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पहला वाला मॉड माइनस साइन के साथ करेक्ट बच्चों. यस सर. दूसरा वाला मॉड प्लस के साथ तीसरा वाला मॉड माइनस के साथ इक्वल टू 3 ओपन कर रहा हूं माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स से प्लस एक्स चला जाएगा 2x प्लस 3 से प्लस 3 चला गया माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 2x इक्वल्स टू 6 x इक्वल्स टू 3 उसका इंटरसेक्शन हल सेट करेक्ट एवरीवन. यस सर. लास्ट केस x लेस देन 1 सारे मॉड माइनस साइन के साथ ओपन होंगे. ओपन अप कर दो माइनस 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 3 x से x चला गया 3 से 3 चला गया
माइनस टू एक्स माइनस टू वो जाके टू हो गया, x इक्वल्स टू माइनस वन, उसका इंटरसेक्शन x लेस देन वन के साथ क्या आंसर, नल सेट या माइनस वन? माइनस वन. तो फाइनल आंसर दो ही है, बस थ्री एंड माइनस वन. सबको क्लियर? यस सर. यस सर. यस सर. 10 सेकंड्स टू कॉपी एनीथिंग, ऊपर से दिखा रहा हूँ. So can you show case 4 as well? No, Ajay Shatru wrong extra, Nishit extra wrong. Sorry. Radha ka extra sahi lag raha hai, good bachi. Okay, I'm moving on. Ho gaya copy sabko yahan? Yes, sir. Yes, sir. Anybody wait or otherwise I'll move. ठीक. तो अभी तक हम मॉड में सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इक्वालिटी का साइन था. All of you agree? Yes sir. Yes sir. अब हम क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी इन मॉड. तो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन डायरेक्टली यू सॉल्व वन क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट आंसर यू गेट. सॉल्व फॉर एक्स mod x greater than 4 करो जो तुम्हारी इच्छा है करना. तो आई प्रेफर कि तुम्हें कोई भी डाउट है तो केस वाइज करना, डाउट नहीं है तो स्क्वायर भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है. Last 10 seconds. चलो डिस्कस करते हैं. यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हो, बट स्क्वायर के बारे में अभी थोड़ा मैंने समझाया नहीं, अभी समझाऊंगा. स्क्वायर बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस. बट उस बारे में मैं नेक्स्ट टॉपिक अंडर रूट एक्स में अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा हूँ स्क्वायरिंग के बारे में. इज दैट क्लियर इनफ? यस सर. क्योंकि वहां पे कवर करना ही है तो डबल डबल क्यों कवर करूं अभी. So I'm not explaining about squaring in inequalities right now. Am I clear enough again?
यू कैन ट्राई इफ यू विश, नो वरीज, बट गलतियां होगी तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा. अभी मैं कैसे करूंगा स्क्वायरिंग, सॉरी स्क्वायरिंग नहीं, क्या करूंगा केस वाइज, केस क्रिटिकल पॉइंट 0 है या 4 है? 0 0 कम ऑन, मॉड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट होता है, इससे कोई मतलब नहीं है उसको, याद है? यस सर. 0 तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड कैसे ओपन होगा तुम बताओ? बिल्कुल करेक्ट, ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही बात है तो 4 टू इनफिनिटी. चलो सेकंड केस, एक्स लेस देन 0, मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस के साथ. सो टू गेट एक्स आई शुड मल्टीप्लाई बाय माइनस 1. माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 यूनियन 4 से इनफिनिटी, फाइनल आंसर आ गया. यहां तक कोई डाउट? नो सर. किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, क्योंकि इसको अभी हम रिजल्ट की तरह याद करेंगे. No slope, no ajashatru. Everyone done copying? I should wait. Sir done. Okay. Sir done. Okay. Chalo, ab smart bano aur mujhe is question ka answer objectively batao without writing down anything. Solve for x, mod x less than equal to 4. First question ka hi reverse hai na, kis tarike se? Everyone? Yes, sir. दिमाग लगाओ, अगर ग्रेटर देन 4 का आंसर ये है तो लेस देन 4 का आंसर इसके बीच वाला इंटरवल ही तो होगा. यस सर, माइनस 4 से 3. और अदरवाइज यू कैन सिमिलरली डू इट, केसेस बना के बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा. इतना तो स्मार्ट है हम कि हमें आंसर दिख गया कि x बिलोंग्स टू -4 टू 4 होगा. कम ऑन एवरीवन. यस सर, ना बीच का इंटरवल यही है ना एवरीवन? यस सर. किसी बालक बालिका को डाउट यहां था? हां सर. पक्का? यस सर. यस सर. यस सर. लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा था. क्यों? क्योंकि अब इनइक्वालिटीज में मैं शॉर्टकट तुम्हें यह समझा रहा हूँ, इसके बेसिस पे हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे. स्क्वायरिंग तुम्हारे जिम्मे है बट शॉर्टकट मेरे जिम्मे. तो शॉर्टकट इज बेस्ड ऑन द आंसर दैट वी गेट कि मॉड एक्स, अगर मॉड एक्स को आप कैपिटल कर देता हूँ, mod x greater than 4 का आंसर अगर लिखना है तो तुम आंसर भी दिखाया था, तो तुम क्या करना, एक नंबर लाइन, मतलब ये तो तुम्हारे लिए है, इच्छा हो तो बनाना मत बनाना, माइनस 4 एंड 4 क्रिटिकल पॉइंट से एग्री करो, आंसर तुम्हारे सामने ही है. yes, और ये आउटर इंटरवल्स हमारे आंसर हो जाते हैं. कम ऑन एग्री करो. हां सर. मतलब x इज आइदर लेस देन माइनस 4 और x इज ग्रेटर देन 4. कम ऑन जल्दी से एग्री करो, ये आंसर है. यस सर. मतलब इसको कैसे यूज कराऊंगा अभी बता रहा हूँ. एग्जाम्पल देख लो कि अगर मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वेशन दिया है मुझे, तो अब केस वाइज तो मैं कर ही सकता हूँ, बट अब मेरे पास इतना अच्छा शॉर्टकट है, क्या बोल सकता हूँ, कम ऑन 3 के कारण क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, माइनस 3. सो देयरफॉर कैपिटल एक्स कौन है अभी यहाँ पे एवरीवन? कैपिटल एक्स इज लेस देन माइनस 3 और कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन 3, सही लिखा है एवरीवन? यस सर. और फिर मैं कैपिटल एक्स को क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस 2 माइनस 2 इज लेस देन माइनस 3 और एक्स माइनस 2 इज लेस देन 3, सो एक्स इज लेस देन माइनस 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 5. तो बस मेरा फाइनल आंसर मैं अच्छी तरह भी लिख दूंगा, माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 5 से. समझ में आया कैसे? यस सर. यस.
तुम्हारी प्रैक्टिस होगी तुम तो डायरेक्टली एक्चुअली यहाँ पर लिख लोगे फिर फटाफट दो स्टेप में कर लो समझ आ रहा है याद करना है माइनस फोर टू फोर क्लोज्ड ये सुनो तो अगर मैं क्वेश्चन दू मॉड टू एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू फाइव तो बहुत ईजी है कैपिटल एक्स कौन है अभी तो अभी आंसर कैपिटल एक्स का कितना हो जाएगा माइनस फाइव टू फाइव हू इज कैपिटल एक्स माइनस फाइव से ये कैपिटल एक्स तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए कर रहा हूँ अदरवाइज कोई भी सेंसर बच्चा तो डायरेक्टली ये स्टेप लिखना चाहिए समझना है ना यस सर सो अब हर जगह क्या कर दूं प्लस वन कर दूं एवरीवन इसको उड़ाने के लिए सो प्लस वन किया तो ये माइनस फोर हो गया देखो ध्यान से फाइव में प्लस वन किया तो सिक्स हो गया अब x की वैल्यू के लिए क्या कर दूं डिवाइड बाय 2 तो ये आंसर आ गया क्या सबको क्लियर है शॉर्टकट्स ओके कॉपी कर लो जल्दी से फर्स्ट कॉपी सडन ओके फाइव सेकंड्स और कोई बच्चा स्लो कॉपी कर रहा है तो बाकी सब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो फिर क्वेश्चंस करना है आपको हो गया सबका अब तो फाइनली यस सर यस सर यस सर
फर्स्ट क्वेश्चन को तुम्हें दोनों मेथड से करना है, शॉर्टकट एज वेल एज केस वाइज. एम आई क्लियर? यस यस, दोनों से करना, तब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा. केस वाइज भी चाहिए और शॉर्टकट भी चाहिए. पहले शॉर्टकट कर लो फिर केस वाइज कर लो. बोले केस वाइज में सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं. यस नो? यस सर. यस सर. कम ऑन. तो आंसर लिखना है चैट बॉक्स में. फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू आर नॉट हरिंग अप. दोनों मेथड से कर रहे हो बच्चों? माइनस फाइव से वन आया ना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? वापस बोल रहा हूँ, मेरी एडवाइस फॉलो नहीं करोगे फिर बाद में तुम्हें गलतियां होंगी. दोनों मेथड से करो. हम क्वेश्चन की हरी मेरने में कोई मजा नहीं आ रहा है. प्लीज डू इट बाय बोथ द मेथड्स, फिर बाद में अटकोगे फिर खुद ही सॉरी होगे. आंसर
एवरीवन एल्स सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है यस हां सर चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या आया किसी को डाउट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोलो कोई जल्दी से फिनिश करो अगर नहीं आया तो मैं 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन के लिए अदरवाइज फिर मैं डाउट क्लियर करूंगा जिसका हो गया मैं उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ जल्दी करो एवरीवन Hurry up, boys and girls. Third question. चलो डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन डाउट है या नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं एवरीवन सर नहीं है ओके प्लीज सी हियर बस चुप थर्ड कर रहे हैं तो इसमें शॉर्टकट तो लगा नहीं सकते एग्री करो ऑल ऑफ यू मैंने सिर्फ कांस्टेंट के लिए शॉर्टकट बताया है हाँ है ना यस सर तो इसको किस मेथड से करना पड़ेगा केस वाइज क्रिटिकल पॉइंट कौन है प्लस साइन के साथ ओपन हुआ इतना इजी हो सभी पता नहीं क्या रहता फिर लगता है कुछ गधे वेरी पुअर सो 3x को राइट साइड में ले गया बच्चों तो 2x इज लेस देन कितना हो गया 8 माइनस 5 3 सही एवरीवन इतना तो समझ सकते हो यस सर x इज लेस देन 1.5 का इंटरसेक्शन 1.67 के साथ ये 1.67 होता है रफली यस और नो यस यस सर यहां पे बोलो नो सॉल्यूशन वेरी गुड क्या ये सबको क्लियर है यस सर यस सर दिमाग नहीं लगा सकते तो सच्ची में गिव अप जे 1.5 और 1.67 में इंटरसेक्शन बिल्कुल क्लियर एवरीवन यस सेकंड केस x इज लेस देन 5 बाय 3 तो मॉड कैसे ओपन होगा नेगेटिव के साथ नेगेटिव वेरी गुड वेरी गुड सो ओपन कर दिया बच्चों इज ग्रेटर देन 5x माइनस 8 माइनस 3x राइट साइड में ले गए तो कितने हो गए 8x हो गया एवरीवन यस देख लो इसमें गलती बस को मत करो ध्यान से करो थोड़ा सा यू हैव टू बी काम एंड पेशेंटली सी एवरीथिंग और कोई गलती तो नहीं होगी एक बार चेक कर लो आगे बढ़ने से पहले अच्छा 3x उधर गया 8x
8x is less than 8 plus 5, 13. X is less than 13 by 8, which is roughly 1.6 something. Correct, everyone? Yes, sir. और ये बोल रहा है 5/3 तो roughly इसकी value तो चाहिए agree करो all of you क्योंकि काफी close है क्योंकि काफी close है हाँ है ना yes sir तो 5 point लगाया 0 ये सब तो आता नहीं आता तो मैं कोई नहीं सिखाने वाला हाँ है ना हाँ sir 1.625 तो 1.625 है ये 1.625 और ये कितना होता है 1.667 correct तो अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों x is less than 13 by 13 by फाइनल आंसर इज यूनियन ऑफ द केसेस करेक्ट एवरीवन यस सर तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 13 by 8 क्लोज्ड इज द फाइनल आंसर बताओ क्लियर है मालको हां सर यस सर जल्दी से कॉपी कर लो सॉरी बच्चे एक मिनट कॉपी करने थे लड़की सब कॉपी करने थे देन आस्क इट आउट सर नो डाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दिया तो फिर अभी रुक जाओ बच्ची लेट मी कंसीडर ऑन दिस क्वेश्चन डाउट हो जाए उसके बाद मैं देखूंगा यस yes, आप किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में Anybody? सबका कॉपी हो गया क्या यस सर यस सर चल आगे बढ़ते हैं डू दीज टू क्वेश्चंस अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो इसका लिखना लिख देना भाई अब देखूंगा मैं जब मैं फ्री होऊंगा बिल्कुल आगम रॉन्ग सुजल रॉन्ग निशित रॉन्ग ध्रुविल करेक्ट तनिषा रॉन्ग माइका रॉन्ग सुवान रॉन्ग अजय शत्रु रॉन्ग दिव्यांश रॉन्ग कैलाश रॉन्ग सुजल रॉन्ग अंशु रॉन्ग दीपक रॉन्ग देखो इतने गलत है राधा रॉन्ग सर जीशांत क्या बच्चे क्या प्रॉब्लम है सर वो पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट x माइनस वन है या मॉड x माइनस वन मॉड लेट मी करेक्ट इट राधा रॉन्ग आदित्य रॉन्ग वंश रॉन्ग साहिल है अब एक्स्ट्रा का कोई नहीं देगा अब इसका पहले करो कम ऑन पहले ये क्वेश्चन तो करो अभी Otherwise, you are wasting your time in correcting that.
ओके एक सेकंड, फर्स्ट का आंसर वेरीफाई करता हूं मैं. फर्स्ट कौन सा लिखो पहले से, फर्स्ट का लिखो अभी वापस लिखो, पुरानी चैट में देख रहा हूँ, सोजल रॉन्ग, भावेश करेक्ट, प्रीति रॉन्ग, खुशी रॉन्ग, इतनी सारी चैट से भाई, कैरव करेक्ट, अजिंक्य रॉन्ग, निश्चित रॉन्ग, गौरव करेक्ट, ध्रुविल करेक्ट, ध्रुविल ब्रैकेट्स, जवान रॉन्ग, गोपाल रॉन्ग, नचिकेत रॉन्ग, अंशु करेक्ट, राजा शत्रु रॉन्ग, माइका रॉन्ग, साहिल करेक्ट, राधा करेक्ट, अनय रॉन्ग, दिव्यांश करेक्ट, ध्रुविल, गोपाल और राधा, ये स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी है. गोपाल का ये गलत है, अलग बात है. वंश रॉन्ग, तनिषा रॉन्ग, पलाश रॉन्ग, वरुण करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, फर्स्ट का आंसर लिख दे रहा हूं मैं आप चैट पे, सॉरी स्क्रीन पे. एवरीवन माइनस इंफिनिटी से टू क्लोज्ड, चेक इट, चेक इट. यस, फर्स्ट का किसी को डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन सर. यस सर. यस सर, आई हैव डाउट. ओके फर्स्ट को देखो इधर, फर्स्ट वैसे स्क्वायरिंग से फास्टर हो जाएगा. किससे हो जाएगा एवरीवन? स्क्वायरिंग से. क्यों? क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, बट स्क्वायरिंग का भी मैंने इनइक्वालिटी में इतना एक्सपर्टाइज नहीं लाया हूं. वो मैंने कहा क्या बोला कब लाऊंगा? तो तुम लिख सकते हो शॉर्ट में अपने नोट्स के लिए, स्क्वायरिंग इज बेटर, ट्राई नेक्स्ट टाइम, समझ गए? ठीक है. यस सर. बट अभी मेथड टू से कर रहा हूँ. क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है, दो है? तो दो है. दो है, वन एंड थ्री. फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस. अब फटाफट मेरे साथ देखना. फर्स्ट केस, एक्स ग्रेटर देन थ्री, दोनों मॉड प्लस साइन के साथ ओपन हुए, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस वन, ऑल इज वेल या नल सेट? सर नल सेट. नल सेट. ये नहीं स्ट्राइक हो रहा है तो ये तो हो जाएगा. थ्री लेस देन वन, क्या आंसर है? नल सेट. केस टू, एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री, पहला वाला मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, करेक्ट बच्चों? यस यस. सो क्या आ गया है? एक्स माइनस वन, सो राइट साइड में ले गया एक्स को. टू एक्स इज लेस देन फोर, एक्स इज लेस देन टू. इंटरसेक्शन विद एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री, क्या होगा इसका इंटरसेक्शन? बोलो सर. वन कॉमा टू. वन कॉमा टू. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस सर. यस सर. थर्ड केस, एक्स इज लेस देन वन, दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? माइनस साइन के साथ, करेक्ट ना लायक हूँ? यस सर. इज ग्रेटर देन माइनस एक्स प्लस वन. अब ये रियलाइज नहीं करते हो, गलत बात है. जिसने वन से टू दिया गलत बात. थ्री ग्रेटर देन वन, थ्री ग्रेटर देन वन, क्या आंसर है? ऑल इज वेल या नल सेट? All is well. 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 इसका intersection लेना है अभी. In case intersection लेना है. मतलब case three का final answer क्या है? X less than one. Correct ना? Yes. Yes sir. Yes sir. Final answer क्या लेना है? Union. 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 तो बताओ minus infinity से one और फिर one से two,
तो फाइनल यूनियन क्या हो गया बच्चों? सर माइनस माइनस इनफिनिटी टू 2। बिल्कुल क्लियर अब तो? यस हां सर। गलती कैसे करते हो यार? सर लिखते हुए गलती से माइनस 1 लिख दिया वहां पे, इसलिए करते हो। ओके चलो जल्दी से कॉपी करो, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो अब। वरुण करेक्ट, 14 सेकंड क्वेश्चन। ऋषि करेक्ट, नो अभी नहीं। खुशी करेक्ट, गौरव करेक्ट, दिव्यांश रॉन्ग, आर्यमन करेक्ट, शिव भूपांश रॉन्ग। अभी दूसरे बच्चे कॉपी कर रहे हैं तो अभी मैं बीच में इधर उधर नहीं करूंगा। आजा शत्रु रॉन्ग, आजा शत्रु हमेशा जल्दी आंसर देता है, मिस्टेक्स बहुत करता है तू। साहिल सोल्यूटली रॉन्ग, ध्रुव करेक्ट, मईका रॉन्ग, मईका आराम से कर बच्ची, नचिकेत रॉन्ग, श्रीनिधि रॉन्ग, गौरव करेक्ट, गौरव की भी एक्यूरेसी गुड है, कैरव रॉन्ग, निश्चित करेक्ट। कहना चाहिए सबका कॉपी हो गया है? यस यस सर। कभी वेट हो तो तुम्हारा हक है भाई बोलने का, वो मैं करूं नहीं करूं मेरे पे, लेकिन तुम्हारा तो हक है बोलने का, सही है? यस सर। यस सर बोला करो। आई थिंक हो गया होगा अब तक सबका, जस्ट अ सेकंड। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, आदर्श करेक्ट, अंशु रॉन्ग, निश्चित करेक्ट, वंश रॉन्ग। चेक करो चेक करो बाकी सब बच्चे जल्दी से, सिंपल केसेस बना के करना है ना अब ये तो। हाँ सर। इसमें तो स्क्वायरिंग भी नहीं कर पाओगे, यही करना चाहिए। अजिंक्य रॉन्ग, जिन बच्चों का रॉन्ग है जल्दी से कम ऑन करेक्ट इट। अनय करेक्ट, तनिषा करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, आगम रॉन्ग, दीक्षा रॉन्ग, प्रथम करेक्ट। चलो मैं थोड़ा सेकंड का आंसर लिख रहा हूँ स्क्रीन पे। टू से 8/3, लास्ट 30 सेकंड, देन वी विल सॉल्व इट। पुराने बच्चों को मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है वो करो एक्स्ट्रा 2, अभी तक आंसर नहीं दिया तुमने, बहुत बच्चों ने दे दिया, एक आध बच्चे ने दिया ध्रुविल, बाकी सब बच्चे दो। नो ऋषि, नो वरुण, एक्स्ट्रा का नल सेट या ऑल रियल वैल्यूज आंसर नहीं है, तो जो बच्चे वो दे रहे हैं वो बंद हो जाओ यार। चलो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, डाउट होगा सेकंड क्वेश्चन में कुछ बच्चों को? यस सर। मेरे साथ फटाफट इंटरेक्शन चाहिए, केस 1 तुम ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, टेल मी फटाफट। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? पॉजिटिव 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 प्लस 2x माइनस 5 लेस देन 2। तुम्हें नहीं लगता अभी काफी इजी होना चाहिए? गलत कर रहे हो तो कैजुअली मिस्टेक कर रहे हो, हां है ना, इंटरसेक्शन में गलती कर रहे हो। यस सर। x प्लस 2 8,
x is less than 8 by 3, which is 2.67 roughly. इसका इंटरसेक्शन लेना है 5 by 2, that is 2.5 के साथ. सोच के बोलो क्या आंसर है फर्स्ट केस का. 5 by 2 to 8 by 3. बताओ यहाँ तक क्लियर. देखो कितना आराम से करना है. यस सर. केस टू. केस टू की कंडीशन बोलिए. 1 to 5 by 2. गुड लड़कों लड़की. ओके दोनों फर्स्ट वाला मॉड कैसे ओपन होगा. फर्स्ट वाला मॉड प्लस के साथ ओपन हुआ, दूसरा वाला मॉड माइनस के साथ ओपन हुआ. इज लेस देन 2, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 5 इज लेस देन 2, x माइनस 2x माइनस x 4 इज लेस देन 2, माइनस x इज लेस देन माइनस 2, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 क्या लिखूं. x ग्रेटर देन 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ केस 2. इंटरसेक्शन लेना है केस कंडीशन के साथ. क्या आंसर हो जाएगा. तुम देखते हो हमेशा मैं केस का आंसर निकालने के बाद उसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि हमारी रफ पेपर में जब हम एग्जाम में कर रहे हैं तब घूम नहीं जाए. अदरवाइज कभी कभी होता है तुम्हारे साथ. हाँ है ना. यस सर. ये छोटे मोटे टिप्स एग्जाम में सिली मिस्टेक से मार्क्स लूज करने में बचाएंगे, तो थोड़ा फॉलो करा करो. केस 3, x less than 1, दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे. नेगेटिव के साथ. नेगेटिव के साथ. माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 5 इज लेस देन 2. So, कहाँ पे आ गए हम. माइनस 3x प्लस 6 इज लेस देन 2. देखो इज लेस देन माइनस 4. x ग्रेटर देन 4 बाय 3. इज दिस फाइनल आंसर ऑफ केस 3. नो सर. नो सर. इंटरसेक्शन विद x लेस देन 1, व्हाट इज द आंसर ऑफ केस 3 नाउ. नो सर. नल सर. नल सर. एंड फाइनल आंसर इज यूनियन राइट 8 बाय 3. यूनियन ऑफ 2 से 5 बाय 2 सॉरी या यूनियन 5 बाय 2 से 8 बाय 3. तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों. 2 to 8 by 3. अब तो क्लियर है. यस सर. यस सर. आप प्रैक्टिस शीट करोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रोवाइडेड यू डोंट डू अ सिली मिस्टेक. ऊपर से दिखा रहा हूँ फटाफट कॉपी करना कर लो जो भी मिसिंग है जो भी गलत किया है. ऑब्वियसली पूरा क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम नहीं मिलता, जो तुमने गलत किया उसके लिए टाइम मिलता है. Otherwise, you are supposed to do something when I am giving you time to do. Kushi, extra 1, to mujhe yaad nahi extra 2 ka answer. Ajay Shatru ka correct hai, Kairav theek hai, Anshu theek hai. ओके आई होप सबका कॉपी हो गया है. डाउट कैन आई मूव एवरीवन देन. यस सर. यस सर. यस सर. कैन आई. चलो ये थोड़े वेवी कप टाइप के क्वेश्चंस हैं तो मैं हेडिंग लिखने में तुम्हारी इच्छा है. मतलब वेवी कप बेस्ड मॉड बेस्ड ऑन वेवी कप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हारी इच्छा है. डायरेक्टली क्वेश्चन करो चार क्वेश्चन पे. हरिया याद है वेवी कव में क्या होता है. हमारा पॉजिटिव फैक्टर होता है तो उड़ा देते हैं ना. याद आया. यस सर. मॉड भी हमेशा पॉजिटिव होता है. एग्री करो मेरे साथ. हाँ सर. यस यस सर.
तो मॉड को भी उड़ा सकते हैं बट उसका भी क्रिटिकल पॉइंट फाइनल आंसर में होना चाहिए. समझ में आ रहा है एवरीवन? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ करते हैं. स्टॉप राइटिंग एवरीवन. टेल मी मॉड एक्स इज इट ऑलवेज पॉजिटिव, इज इट ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो? ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू जीरो. ये होता है. हाँ है ना एवरीवन? यस सर. ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड के किसी क्वेश्चन में इसको उड़ा सकते हैं क्या? सॉरी, इनइक्वलिटी के किसी क्वेश्चन में उड़ा सकते हैं क्या? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है. ओनली थिंग इज इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइनल आंसर में होना चाहिए. क्या समझ में आ गया एवरीवन? यस सर. सर ऐसा लिखूंगा 1 टू इनफिनिटी, फिर उसमें जीरो नहीं आया तो जीरो इंक्लूड कर दूंगा. ऐसे ही करते थे वेवी कर्व में भी एवरीवन? हां सर. तो तुम रियल सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना. चलो सॉल्व करो. आई वुड चारों करो, एक एक का आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. मैं चारों का एक साथ डिस्कस करूंगा. कितने हो गए? तीन हो गए. सबको करने देख रहे.
क्योंकि मैंने कुछ भी रैंडम क्वेश्चन बनाया मुझे भी अभी देखना पड़ेगा आंसर तो फट याद नहीं है. चलो क्या है थर्ड बोर्ड का आंसर देखें. गलत लग रहा है गोपाल और उनका ठीक लग रहा है. अच्छा शत्रु का मिस्टेक लग रही है लास्ट का फोर्थ. अच्छा थर्ड का ही दिया है. कैन आई डू एवरीवन नाउ? यस आई शुड वेट. यस सर. फोर्थ भी अटेंड कर लिया सबने? हां सर. हां सर. यस सर. Okay, then stop saying and just reply whenever I ask you. First question. Mod ke baare mein comment. Greater than zero or greater than equal to zero? Greater than equal to zero. So can we remove this by ensuring yes. critical point is present in the final answer? Yes, sir. So uda do aur 3 ko final answer mein include karo. So answer aaya greater than 4. So therefore final answer is 4 to infinity union curly bracket 3. Kisi ko doubt first question? No, sir. Second, कुछ बच्चे इसको पता नहीं क्या रायता फैला देते हैं x plus मतलब इसके लिए critical point 3 iota minus 3 iota. अरे complex number में inequality का कोई मतलब नहीं होता है. Nonsense है. So यहाँ पे इसको iota के terms में नहीं करना है. Real solution के ही करते हैं. जैसे inequality आ गई automatic real solution. Is that clear? Yes, sir. So अब इसके बारे में comment करो. Greater than zero या greater than equal to zero? जीरो नहीं हो सकता. एग्री करो वालों क्यों? यस सर. तो इसको तो डायरेक्ट टाटा बाय बाय. समझ में आया? यस सर. यस सर. ग्रेटर देन 4 बस दैट्स इट. दैट इज द फाइनल आंसर. किसी को डाउट सेकंड क्वेश्चन? नो सर. नो सर. तो कितनी अच्छी छोटी छोटी प्यारी चीजें लिख रहा हूँ. ये तुम्हें भी अपने नोट्स पे लिखना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन देखते ही पहला स्टेप मैंने ये किया. एग्री करो वालों क्यों? क्योंकि अदरवाइज ये भूल जाते हैं हम. तो x is not 2, mod x greater than equal to 0 उड़ा दिया, x equals to 0 final answer में होना चाहिए, हाँ है ना? Yes sir. Yes sir. मेरे पास ये बचा, ये तो directly VV का होता है, फिर नंबर plus minus plus plus वाले region हमें लेने हैं, x belongs to minus infinity से 2 open union 5 close से infinity और 0 already है, so this is the final answer of third. किसी को doubt? No sir. किसी को भी डाउट थर्ड तक? नो. ओके फोर्थ कमेंट अबाउट दिस एंटायर फैक्टर. ऑलवेज पॉजिटिव ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. फॉल्स. फॉल्स नहीं है वो. नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ है ना? हाँ सर. यस सर. अच्छा वन भी डाल के देख लो नेगेटिव आ रहा है, हाँ है ना? यस. इसका मतलब इसको उड़ा सकते हैं या कैन नॉट एलिमिनेट? अगर किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर वो वीवी कर्व में पार्टिसिपेट करेगा. समझ में आया? यस सर. यस. कैसे करेगा? क्रिटिकल पॉइंट से करेगा. इसका क्रिटिकल पॉइंट -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, और हर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? उसको इक्वल टू जीरो करके ना. यस सर. इसका क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो करो. मॉड एक्स कितना है एवरीवन? 3. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन है? क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस सर. यस सर. ओके और अब राइट साइड में प्लस फिक्स नहीं है. नॉट फिक्स. याद है ट्रिग्नोमेट्रिक वेवी कर्व में भी मैंने बोला था एक रीजन में साइन चेक कर लो, हां है ना? यस. तो तुम्हें क्या पता यार ये मॉड एक्स माइनस 3 है. 3 माइनस मॉड एक्स होता तब भी तुम यही फैक्टर लिखते. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. और किसी तरीके से कोई गड़बड़ हो जा रही है, इससे अच्छा बेटर है ना एक जगह में साइन चेक कर लूं किसी भी एक रीजन में एवरीवन. यस सर. तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखनी है चेक कर लो एक बार कॉन्शियसली कॉन्फिडेंस के लिए चेक कर लिया करो. तो x को मैंने 4 रख दिया. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही है. आर यू ओके? आर यू विद मी एवरीवन? यस सर. यस सर. अब बाकी सब जगह चेक करने की जरूरत है? साइन चेंज होगा ही होगा. साइन चेंज होगा ही होगा. चेंज होगा ही होगा. तो कौन सा रीजन पिक करना है मुझे एवरीवन? नेगेटिव वाला. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? -3 से -1 union 2 से 3. Is that clear? Yes, sir. Copy करो.
that's it for today.